दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस वॉइस के ऊपर। किसी ने मुझसे पूछा कि सर बेस वॉइस कैसे लेके आए, या जो पेट से बोलते हैं, पेट से जो आवाज निकालते हैं, पेट से कैसे बोला जाए। हम भी जब शुरू किया था, हम लोगों ने भी तब भी हमें भी कहा जाता था पेट से। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो पेट का जो है वो आपके वॉइस में कोई रोल नहीं होता। आपका जो वोकल सिस्टम है उसमें आपके लंग्स, आपका गला और ये जो आपका वॉइस बॉक्स है, सिर्फ इसका काम होता है। और पेट से बोलने का अगर टेक्निकली मतलब देखा जाए तो उसका मतलब है कि आपकी जो लंग्स की जो एनर्जी है उसको प्रॉपरली यूज किया जाए। आपका जो ये वोकल सिस्टम है, आपका गले में जो आपकी वोकल कॉर्ड्स हैं, आपका वॉइस बॉक्स है, उसका सही से इस्तेमाल किया जाए। तो इससे पहले जो वीडियो था, हमने वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में जहां बात की थी, तो वहां हमने पूरा वोकल सिस्टम के ऊपर हमने डिटेल में बात की थी कि भाई लंग्स से जो हवा विंड पाइप के थ्रू निकलती है, फिर वो हमारा जो वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड्स के थ्रू जो होते हुए गुजरती है, फिर ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं और फिर जो है आवाज पैदा होती है। अब उस आवाज का टेक्सचर कई चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो विंड पाइप का साइज क्या है, आप किस प्रेशर के साथ आप जो है हवा को फेंक रहे हैं, आपके लंग्स किस क्या एनर्जी आपकी लग रही है, ये वोकल कॉर्ड्स में क्या गैप है, ओपन है, कम है, ज्यादा है, उस पर डिपेंड करता है। तो कुछ चीजें जो नेचुरल होती हैं, जो फिक्स है, मीन्स आपका विंड पाइप का साइज है वो फिक्स है, वो कम ज्यादा नहीं कर सकते आप। जैसे मेल्स का जो विंड पाइप का साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, जिसकी वजह से उनकी आवाज भारी होती है, उनकी आवाज में बेस होता है। फीमेल्स का जो विंड पाइप का साइज होता है वो थोड़ा कम होता है, बच्चों का और कम होता है। तो इसके ऊपर तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते, बट कुछ चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारा जो बोलते हुए वोकल कॉर्ड्स का जो गैप जो कम ज्यादा होता है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी जो वॉइस की फ्रीक्वेंसी है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इन वोकल कॉर्ड्स के मूवमेंट से। जब ये वोकल कॉर्ड्स क्लोज होती है तो जो हवा इनके बीच में से गुजरती है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, उस टाइम आवाज बारीक होती है। और जब ये वोकल कॉर्ड्स ऐसा खुली होती है फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और आवाज में बेस आता है, और उस टाइम आपकी जो जो एनर्जी है उसका प्रॉपर इस्तेमाल होता है। तो जैसा अभी हमने देखा कि भाई जो चीजें फिक्स है, जैसे आपकी विंड पाइप का साइज फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं एक सिंपल सी चीज में आपको बोलता हूँ। जब ये आपका वॉइस बॉक्स है, ये जब ऊपर नीचे मूव होता है तो ये जो वोकल कॉर्ड्स का जो गैप है ना वो कम ज्यादा होता है, और इसके कम ज्यादा होने से आपकी आवाज में बेस आता है या बारीकपन आता है। वो चेंजेस आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो प्रैक्टिकली हमने जो वॉइस मॉड्यूलेशन वाला वीडियो है उसमें हमने किया है। तो और क्या होता है, जब हम बारीक आवाज में बात करते हैं, ये जैसे हमारी वोकल कॉर्ड्स क्लोज है, तो जो आपकी लंग्स से जो एनर्जी, जो प्रेशर दिया जाता है, उस प्रेशर का जो मैक्सिमम जो फोर्स जो है, मैक्सिमम जो पार्ट है उस एनर्जी का, वो इससे गुजरने में, इससे पास होने में खत्म हो जाता है, क्योंकि प्रेशर मेंटेन हो जाता है और बहुत कम जो है एयर यहां से पास होती है। प्रेशर ज्यादा है बट एयर कम पास होती है, जिसकी वजह से आवाज बारीक होती है। और हम देखेंगे जब हम ऊपर करके और गले से ऐसे पतली आवाज में जब बात करते हैं और ज्यादा देर तक अगर हम ऐसे बोलते हैं जल्दी थकान महसूस होती है। वहीं हम अगर हमारी वोकल कॉर्ड्स को ऐसा थोड़ा सा खोल लेते हैं, नीचे ले जाते हैं हम इसे, तो हम देखेंगे जो इजीली एयर पास होती है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वोकल कॉर्ड्स की डाउन हो जाती है, और जितनी भी एयर है वो इजीली हम पास होती है और आपको आवाज में बेस मिलता है। तो सिंपल सी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपका जो ये वॉइस बॉक्स है इसको थोड़ा सा नीचे रखिए, थोड़ा सा मींस कंफर्टेबली आप बातचीत करते हुए जितना नीचे कंफर्ट के साथ रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा नीचे लेके जाएंगे तो वो थोड़ा सा दिखेगा, ये बहुत ज्यादा बेस आएगा मगर आपका वो यहाँ पे दिख जाएगा।
तो उसको आप कंफर्टेबली जितना कंफर्ट के साथ आप नीचे लेके जा सकते हैं। तो फर्क देखिए, ये अभी थोड़ा सा ऊपर है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ रहे हैं मेरी बात को, अब मैंने इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट किया, तो ठीक है मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ये डिफरेंस आता है। तो जब आपको बेस चाहिए थोड़ा सा नीचे रखिए और फिर उसको ऐसा आप बोलने की कोशिश कीजिए, तो आपको अपनी आवाज में बेस मिलना शुरू होगा और बेस वॉइस में बात करने का या उसको अपने वोकल वॉइस बॉक्स को नीचे रख के बोलने का एक बेनिफिट और भी है, जब हम बेस वॉइस यूज करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन बहुत अच्छे आते हैं। आप एक चीज नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि जब हम इमोशनल होते हैं, गुस्से में होते हैं या कोई भी फीलिंग फील में होते हैं तो वॉइस में बेस आता है, और बेस वॉइस में आप अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करते हैं। बेस वॉइस अगर आप है, आप बेस वॉइस में बात करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं। तो सिंपल सी चीज है, आप इसको ट्राई कीजिए, आपको फर्क महसूस होगा। तो अभी हम अपने एक्टर्स के साथ भी देखते हैं, एक सेम दो दो तीन वॉइस में हम उनके साथ देखेंगे और पता चलेगा कि भाई बेस वॉइस के लिए किस तरह से हमें बात करनी चाहिए। हाँ अमित, हाँ जी सर, मालूम है ना क्या करना? हाँ सर, चलो ठीक है, कोई भी एक लाइन दो अलग अलग वॉइस के साथ आप बोल दो। ठीक है, पहले मैं नॉर्मली बोलूंगा, फिर थोड़ा वॉइस बॉक्स नीचे लेकर। हाँ ठीक है। दोस्ती और तुझसे, जिसने हमेशा मेरे साथ गद्दारी की। दोस्ती और तुझसे, जिसने हमेशा मेरे साथ गद्दारी की। तो ये कैसे तुमने किया और इसका क्या बेनिफिट क्या है? सर फर्स्ट, मतलब मैं फर्स्ट जो लाइन मैंने बोली वो नॉर्मली जैसे मेरा वॉइस बॉक्स है वैसे मैंने बोली, और नेक्स्ट इसमें मैंने थोड़ा वॉइस बॉक्स है नीचे लेकर गया और फिर मैंने वो लाइन बोली। तो दोनों में डिफरेंस ये है सर, जब भी आप वॉइस बॉक्स को नीचे लेकर थोड़ा बेस वॉइस के साथ बात करते हैं तो आपके एक्सप्रेशन अपने आप आ जाते हैं, वो जो इमोशन होते हैं वो अपने आप आपके फेस पर दिख जाते हैं। तो फॉर एन एक्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके आपका जो एक्सप्रेशन है और आपका जो वॉइस है वो मैच करे। तो अगर मैं बेस वॉइस के साथ वो चीज़ बोलता हूँ तो वो मेरे लिए अच्छा होता है कि मेरे एक्सप्रेशन और वॉइस दोनों एक साथ एक लिंक में चलते हैं। अच्छा, मैंने कहने का मतलब अपन अगर बेस वॉइस करना है, वॉइस बॉक्स को थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे तो बेस आता है, और अगर आपकी वॉइस में बेस है तो एक्सप्रेशंस भी अच्छे हैं अपने आप। अच्छा, एक्टर के लिए बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। ठीक, हाँ नवी जी सर, मालूम है ना क्या करना? जी सर। चलो ठीक है, कोई भी एक लाइन दो अलग अलग वॉइस के साथ बोल दो। दोस्त और वो भी तुमसे, जिसने हमेशा मेरे साथ गद्दारी की। अब सर इसी डायलॉग को मैं बेस में करता हूँ, बेस वॉइस में। दोस्त और वो भी तुमसे, जिसने हमेशा मेरे साथ गद्दारी की। अच्छा, तो ये जो बेस वॉइस किया तुमने कैसे किया और इसका क्या बेनिफिट क्या है बेस वॉइस का? सर ये मेरे वॉइस बॉक्स जो है उसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके अगर बोलता हूँ तो वॉइस में बहुत बेस आता है। हाँ। और एज ए एक्टर के लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एज ए कोई भी डायलॉग कोई भी कुछ सिचुएशन में हम परफॉर्मेंस करते हैं तो हमारे अगर वॉइस में बेस होता है तो एज ए फीलिंग भी बहुत बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने एक्सप्रेस होता है। मतलब बेस वॉइस अगर आपकी है तो आपको एक्सप्रेशन अच्छे आते हैं। जी सर, है ना? जी सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। और एज एन एक्टर आप कॉन्फिडेंट भी दिखते हो। जी सर, कॉन्फिडेंस भी दिखता है बेस वॉइस में। चलो ठीक है, तो अभी ये देखा आपने कि बेस वॉइस हमें कैसे क्रिएट करनी है, और बेस वॉइस के बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, आप कॉन्फिडेंट दिखते हो, आप अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, और एज एन एक्टर आपको बेस वॉइस से बहुत हेल्प मिलती है। आप किसी भी एक्टर को आप ध्यान से सुनिए तो आपको पता चलेगा कि वो बेस वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, और अगर बेस वॉइस नहीं है तो एक्सप्रेशंस भी उतने नेचुरल नहीं आते, उतने अच्छे नहीं आते। तो बेस वॉइस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल सी बात है, आपको इस वॉइस बॉक्स को हल्का सा नीचे रखना है, कंफर्टेबली जितना रख सकते हैं, नॉर्मल बोलचाल में भी थोड़ा सा नीचे रखिए तो आपकी आवाज भी असरदार होगी। क्योंकि क्या है कि ये जो कला जो है हमारा एक तरह का जैसे वॉइस के लिए गेयरबॉक्स के जैसे काम करता है, जैसे गाड़ी है, गाड़ी में जो इंजन है, इंजन एक ही डायरेक्शन में घूमता है, बट आपको उससे पावर चाहिए या स्पीड चाहिए, वो चीज गेयरबॉक्स उसके लिए होता है। तो हम कौन सा गियर हम लगाएं कि गाड़ी में हमें पावर ज्यादा मिले या हमें स्पीड मिले, वो डिपेंड करता है गेयरबॉक्स पे।
तो जो लंग्स की जो एनर्जी है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, एक ही तरीके से फ्लो होती है, बट उसमें आपको लाउडनेस चाहिए या बेस चाहिए वो डिपेंड करता है आपके गले पर। तो आप इस तरह से आप अपने अपने वोकल वॉइस बॉक्स को थोड़ा सा नीचे रखने रख के बोलने की आप हैबिट कीजिए, फिर देखिए आपकी आवाज़ में बेस कैसे आता है।